अमेज़न में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, मेरे को 4 कुर्तियां दिलाना है। एकदम बेकार, बकवास, घटिया है। जिंदगी में कभी ढंग का खाना पकाते नहीं पकाते। 4 कुर्तियां दी विकी, चलो थोड़ी तारीफ करेगी ना कि फ्री हो जाते। बेगम, मेरा फोन कहीं गुली है? चार्जिंग नहीं थी। मेरी तो बैटरी फुल है। मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है जी। तुम्हारे फोन में चार्जिंग नहीं है तो मेरे फोन को कहीं कुछ चार्जिंग पे लगा रहे तुम? ये तुम्हारा मेरा क्या करे जी तुम? हाँ, तुम्हारी चीज है तो वो मेरी चीज है ना। हाँ? चीज छोड़ो, तुम ही मेरे है। फोन मैं यूज कर रही हूँ। माइंड यूज करो। हाँ, ये क्या है? ग्रेट इंडियन फेस्टिवल? हाँ, क्या ऑर्डर कर रहे तुम? सेल चल रहा जी, इंपोर्टेड कुर्तियां हैं। परसों लिए ना रमजान में 4 कुर्तियां तुम, अब फिर आ रहे हो रमजान में परसों लियो कते? जाओ खाना निकालो। तुम भी परसों इच खाओ रमजान में। ए हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं तो क्या कर लेते? मेरा दिमाग बहुत खराब है। बहुत? तुम्हारा तो दिमाग थोड़ा ही छे ना। अरे नहीं, क्या दम कर रहा है रे भाई, लूज मोशन के जैसा पीछे पड़ गया है। हेलो। हाँ हेलो। कहा भाई, नहीं रुक रहा है आपका क्या? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं। फोटो यहाँ भेजो यार, हमारे ससुरे आ रहे हैं, उनको बताना है, उन्हें खर्चा देने वाले यार। वाह, अच्छे मिलते वही तुम्हारे को खर्चा करने वाले ससुरे? हमारे को तो मिलते नहीं। देखो ऐसे ससुरे कंजूस है मेरा तो। हाँ? क्या बोले भाई? कुछ भी नहीं बोले भाई, 15 मिनट में आपको फाइल मिल जाती। क्या बोले, क्या बोले हमारे बाबा के बारे में तुम? तुम्हारे बाबा का CM है या कोई सेलिब्रिटी, उनके बारे में बात करने के वास्ते? हाँ? मेरे पीठ पीछे मेरे बाबा की बेइज्जती करे ना तुम, करे ना? देखो बाला ने, तुम पहले बाला छोड़ो, बाला छोड़ो जी, मेरे बाला झड़ रहे। नहीं छोड़ती। मेरी बात उनकी आई थी, छोड़ो छोड़ो। अन्ना पार्सल आ रहा हूँ। क्या क्या है पार्सल? बेंगलुरु नुंचे प्राइवेट पार्सल। బెంగళూరు నుంచి వచ్చిందా పార్సల్? ఏంటి నువ్వు పార్సల్ బాయ్ లాగా లేదు? పార్ట్ టైం జాబ్ కర్రే. ఓకే ఓకే, చల్ థ్యాంక్ యూ. అది ఆన్లైన్ చేసేసి నా పేమెంట్ నేను అయిపోయింది. ఓకే థ్యాంక్ యూ. క్యా హై జీ, మేరే లియే సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఆర్డర్ కర్ రహే తుమ్. తుమిచ్ ఏక్ మేరే వాస్తే షాకింగ్ సర్ప్రైజ్ హై జిందగీ మే. తుమ్హారకో క్యా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ దియూ జీ? తో ఫిర్ క్యా హై పార్సల్ మే? देखो तुम मेरे को टेंशन दे दे के परेशान करती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया मेरा, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा, वक्त से पहले गंजा हो जा रहा हूं मैं तो? इसके वास्ते मैं कुछ चीज ऑर्डर कर लिया। अच्छा, क्या ऑर्डर करे? आदिवासी हेयर ऑयल। अजी तुम दुनिया भर के हेयर ऑयल, सीरम, शैम्पू सब यूज करके देख लिए, उससे कुछ नहीं होता, इससे क्या होता? वही जो आज तक नहीं हुआ, 108 जड़ी बूटियों से 1200 ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है। ये लगाते कि 15 दिन में हेयर फॉल रुक जाता, डैंड्रफ खत्म हो जाता, वाइट हेयर्स नहीं आते, जड़ा मजबूत हो जाते बालों के, और ये जो बेबी हेयर्स होते हल्के फुल्के, वो भी एकदम अच्छा ग्रो हो जाते और घने हो जाते। हफ्ते में 3 बार लगाना, 1 बॉटल 3 महीने तक चलता। ऐसा? तो फिर हमारे भैया के लिए भी 1 बॉटल ऑर्डर करूँ ना? मैं कहीं को करूँ? मैं क्या तुम्हारे भैया का गुलाम हूँ? उनको ऑर्डर कर लो, बोलो जी वेबसाइट से www.originalhakkipikkicommunity.in, या नहीं नंबर है, फोन करके ऑर्डर कर ले सकते। अच्छी बात है बोलते हो। बोलो खाना निकाल लो, जाओ। क्या फोन कर रहा भाई ने, दम पे दम पीछे पड़ गया। हाँ भाई, भाई देखो मैं आपको फाइल भेज दिया बड़े भाई, देख लो आप। अरे काम करो, 15 मिनट में आप मेरे को साइड पे मिलो, मैं भी आ रहा हूँ। राइट राइट। ये डिजाइनर भी आखिरी फिराव दिख रहा, सुबह से शाम कर दिया भाई, आया नहीं। अब कब आ जाएगी? फिर फोन करे तो पुकार लेता इन्हें।
भाई सेट को बोला तुम्हारे क्या हुआ फैज मैं जू प्रोजेक्ट मैं दिया अरे तुम है वो फिर अरे अब तो आखिरी फटीसर दिख रहा था इवेंट में देखा था आखिरी नवाबों के जैसे दिखे था वाला बड़ी पार्टी की बोल के प्रोजेक्ट लिया हुई जब प्रोजेक्ट दिया था तुम भी फटीसर हालत में आए थे ना मंगले थे साफ दियो बोल के अरे हाओ जी तो वह काम की जगह थी उधर ऐसी दिखना पड़ता ये क्या अपना अपना पर्सनल है जरा ऐसा बंधन के रहना पड़ता तो वो भी हमारा इवेंट था बंधन के रहते ये इसी जगह है इसी आते अंधे बड़े भाई गुस्से में आ रहे हैं आप काम क्या है वो बोलिए आप काम क्या है जल्दी डिजाइन बताओ मेरे को आप जल्दी डिजाइन बताए तो जरा काम होते एक डिजाइन ने भेजा वो जो भेजे वो भी कुछ भी समझ में नहीं आया बताओ कहाँ पे आ रहा किचन कहाँ आ रहा हॉल कहाँ है बताओ भाई देखो अपन जो खड़े हुए हैं ये एक दीवार है पिक्चर टपल गिर जाती ना तो एक दीवार बराबर फिर ये एक दीवार उसके ऊपर से एक दीवार ऐसा देंगी दीवार के ऊपर से दीवार देंगी अब भैया प्लेन के ऊपर से प्लेन जा सकता तो दीवार के ऊपर से दीवार नहीं जा सकती क्या भैया नया इनोवेशन है एडवांस देख रहे हैं बेटे तुम नहीं जी काम एडवांस है भैया हमारा काम एडवांस है उसके बाद देखो ऊपर से दीवार जी उसके बाद जो ये दीवार कौन बनाया तोड़ो पहली फुर्सत में तोड़ो ये दीवार अरे 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 मजदूर बनाया दीवार है अरे हाओ जी तो दीवार गलत है तोड़ दो पहली अरे पीछे वालों का घर गिर जाता घर है पीछे है ये रहने दो एक काम ये कौन करे ये कौन खुला छोड़ा कौन सा लेबर काम करता है साहब सबसे पहले दीवार पैक करवा अरे बड़े भाई ये खुला छोड़ने की वजह वो लेक व्यू है जी ये घर लिए लेक व्यू के वास्ते वही पैक कर देना एक काम करो तुम्हारा घर तुम डिजाइन कर लामा कहीं को बुलाए अरे आप हमारी बात की वैल्यू नहीं रखना है मैं बुलाए कहीं को बड़े भाई आप कर लो आप निकल लो मैं जा रहा हूं अरे भाई आप बात ही ऐसी कर दे रहे हैं आड़ी तेरी दीवार के ऊपर से दीवार गिरा दो पैक कर दो क्या है भाई सही डिजाइन दियो जी भाई भाई आपको मैं फाइल भेजा था देखे ना देखे आप देखा मैं समझ में आया नहीं समझ में आया बोल के तो बुला मैं आपको समझाता ये दिख रहा आपको ये दो पिलर के बीच में आपका चूल्हा है किचन अच्छा चूल्हे के सीधा अपोजिट पखाना अरे पखाना करना नहीं भैया उसका मतलब है खाना निकालना ये मतलब है उसका सही में एडवांस तुम्हारा काम भी एडवांस है तुम जितने एडवांस है ना काम भी वैसी सुपर फास्ट यही बोल रहा था मैं आपको उसके बाद क्या करना है ये छत बहुत ऊपर हो गया उसको सीधा 2 फीट नीचे कर देंगे बड़े भाई सीलिंग बड़ी रहना बोल के तो 12 फीट की कराए अब उसको और 2 फीट नीचे ठीक अपन क्या करेंगे उसके बाद ये जो दीवार है पूरे चारों तरफ हर दीवार पे 4 ट्यूबलाइटा 4 बल्बा लगा देंगे सीलिंग दला रहे सीलिंग की लाइट होना बोल के वो ट्यूबलाइटा बल्बा डाल के चिल्लर कर दे रहे एक काम लिफ्ट है लिफ्ट है तो लिफ्ट ना डालेंगे अपन पुराने जमाने में बॉडी को डोला डालते थे वैसे 2 थैले बन के डोला डाल के लिफ्ट बना देंगे ये बड़े भाई तुम्हारे भी डोले में बिठा के छोड़े तो नीचे समझ में आ रहे बात आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको क्या समझाना चाह रहे हैं आखिर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जल्दबाजी का काम शैतान कर रहा था भैया डिजाइन बना दो कल फाइल दिया था आज होना क्या है बच्चे को भी 9 महीने लगते ये तो घर बन रहा लोग क्या बोलते हैं घर बना के देखो शादी करके देखो वैसी से मामला है जरा सबर से काम लो यार भाई आप जरा जल्दी कर दिए तो ससुरे को बताना है जी फाइल उन्हीं पैसे देने वाले जरा ये समझ सकते ना बात आप तो आप भी दामाद होंगे किसी के हाँ सही बात है मगर हम आपको ऐसे ससुरे नहीं मिले ना भाई आपके हमारे जरा अलग है ना भाई तो उन्होंने अब चले जा रहे हैं 2-3 दिन में बाहर उनको दे दिया हमें तो उन्होंने दे पैसे डॉलर है जी 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 ठीक है तो कैसा था भैया फीस कितनी बोला था आपको याद है 51,000 बोले थे अब सीधा 2 लाख रुपए होते भैया डॉलर्स काम भी वैसा होगा आपका अजा का टाइम हो रहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ 2,01,000 देता हूँ शाम तक रेडी कर देते कल तक देता हूँ भाई दिमाग लगता है इनोवेशन लगता है क्रिएटिविटी लगती समझ रहे हैं आप बात कुछ इट विल टेक सम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है भाई जरा कल तक कैसा भी आप मेरे को फाइल दे दो पूरा डिजाइनिंग दे दो मैं ससुरे साहब को बता के उनको पैसे बोल देता हूँ उन्होंने मेरे को दे देते पैसे आपको भी क्या है क्या नहीं दे देता आप बिल्कुल मगर देखो भैया ये डिजाइन के हिसाब से बराबर है 8x4 की खिड़की लगेंगी इधर यहाँ पे 12x6 की 12x7 की खिड़की लगेंगी और यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप में आपको 8x3.5 वहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइट ट्राइंगल रहेगा ऊपर से राउंड अच्छा वो आके जो है 3.5x8 की रहेंगी खिड़की मेजर आपके घर का इनोवेशन क्रिएटिविटी ये ठीक है चलो डन भाई पूरे फॉल सीलिंग लेना दे देता हूँ मूविंग पैनल्स दे देता हूँ बीच में पार्टीशन उधर पार्टीशन वो मूविंग पैनल ही बोल रहे थे हमारे जोरू भी वही बोले वो मूविंग हमारे मालूम जी यूएस डॉलर्स बोले आप हम समझ गए काम अरे एकदम व्हाइट गोल्ड क्या बोलते हैं ऐसा समझो आप
हाफ व्हाइट एंड गोल्ड का कॉम्बो दे देंगे, बेहतरीन एंटिक फर्नीचर रखेंगे, ठीक है ना? डन डन, चलिए नमस्कार। मैं तो तुम एडवांस हो गए थे, अब जरा फिर भी समझ में आ रही बात। वो कहा है पैसों के हिसाब से काम होता है, पैसे बोलते कि सही है। एडवांस दे रहे ना भैया? अरे बड़े भाई चलो जी नीचे चलो, मैं देता हूँ, गाड़ी में है पैसे, है ना? चलिए चलिए। क्या हुआ इतनी देर कर दे, 15 मिनट में आते बोल के गायब हो गए। अम्मा अल्लाह जी, क्या करें ये भी बाहर। अरे फिर कहीं कर रहा भाई ने फोन, क्या अच्छी कर रहे भाई। हाँ भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई हमारे ससुरे को वो खिड़कियों का साइज नए साउंड में आया भाई, चेंज कराना है। एक एक मिनट भाई, एक मिनट बेगम सर, आप पेन और पेपर दियो सर। दे रही हूँ, जल्दी दियो भाई। बोलिए। लिखो भाई। भाई 3/2, एक मिनट, 3/2, 3.5/4.5, हाँ 7/12, ओके भाई कर देता मैं, कर देता, ठीक। वाह क्या जबरदस्त लिखे जा रहा बेगम, कौन से ब्रांड के है ये पेंसिल? अप्सरा। अप्सरा? हम लड़कों की लाइफ में अप्सरा नाम की खाली पेंसिल ही रहती, देखो। और हम लड़कियों की लाइफ में बादशाह नाम का खाली मसाला ही रहता। मैं सोची थी मेरी शादी कौन सी तो भी शहजादे से होती होंगी बोल के, और तुम ऐसे हो गए फटीचर। तो कई को कर ली है फटीचर से शादी, कौन सा भी अच्छा शहजादा देख के कर लेना था डूबी हुई सल्तनत के लुटे हुए शहजादे से? तुम्हारे से तो अच्छा ही रहता था होगा उन्हों। ये खाबा देखो खाली तुम, बिल्ली के खाब में छिछड़े। जाओ पानी लाओ एक गिलास, थक के आया, पानी देना करना पूछना कुछ भी नहीं मालूम। ये मैं क्या कर रही हूं, ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है माँ, बेला फुसला के अपनी कुर्तियां ऑर्डर करवाने का है। एक बार कुर्तियां ऑर्डर हो जान दो, उसके बाद मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ। प्यार से माँ स्वीटहार्ट। ये कंपनी वाले भी क्या फोन करके दम करते, బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతండి. పరిశాన్ ఖర్చా బాకీ ఇంకా. అచ్చా సునో జీ, తుమ్ కుర్తియా నీ దిలా రే ఠీక్ హై, మగర్ అపన్ లోగా కహీ తో భీ బాహర్ జాయేంగే నా, కిత్తే దిన్ హో గయే, హమ్ లోగా నా బాహర్ ఘూమ్నే గయే నా ఖానే కో గయే. ఆజ్ సే బాహర్ జానా ఘూమ్నా ఫిర్నా బాహర్ కా ఖానా బంద్. మేకు టెన్షన్ హై, వర్క్ లోడ్ జ్యాదా హై, మేకు టెన్షన్ నకు దే మేకు ఆర్. अजी तुम्हारी यही आदत मेरे को ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, देखो तुम मेरी ख्वाहिशों का ख्याल ही नहीं रखते। तुम्हारी यही आदत की वजह से मेरा मेरी जान जलती, मेरे को कितनी तकलीफ होती मालूम? बहुत अच्छी बात है, तकलीफ होना बहुत अच्छी बात है। तकलीफ हुई तो इंसान को सुकून का एहसास होता, गम हुआ तो खुशी का एहसास होता। तुम्हारे को दर से कुछ भी नहीं है ना? अरे हमारे को लगे हुआ है भाई, हमारी भी जिंदगी में बहुत दुख दर्द तकलीफ परेशानी टेंशन बला मुसीबत सब है। कौन है? तुम है। कितने आप पैसे नजर आ गिनेंगे? अरे ये क्या 100-100 के नोट आ दिया है ने? पैसे आ गए बोलो। हाँ एडवांस लाए जी पार्टी कंच से। अच्छा है, मेरे को 1-2 हज़ार दे दो। पागल हो गए क्या? पैसे देखे पैसों का नाम लेती है कैसा हो रहा, पैसे अच्छी चीज नहीं है जी, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता। सही बोल रहे जी तुम, मैं भी वही बोल रही हूँ, पैसे अच्छी चीज नहीं है, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता, और मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो पैसे मेरे को दे दो। पागल बात ना कर रहे क्या? देखो बेगम ये जो नाकामयाब कोशिश कर रहे ना तुम,
बचपन में गली के बच्चों के साथ कामयाब तरीके से आजमाया उसे, तो मेरे साथ ये बचपन के खेला नक्को खेलो तुम, और तुम मेरे जज्बादा के साथ नक्को खेलो, समझे? कुर्तियां दिलाओ। नहीं, मैं ये फोन चार्जिंग पे लगा के सोने जा रहा हूं, उठाना नहीं, क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा सड़ेवा फोन मैं कहीं को उठाओ जी? अरे फोन नहीं जी, मेरे को नक्को उठाओ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, पापा का फोन आया तो उठाओ। ठीक है, फोन उठा के क्या बोलना पापा को? फोन नहीं जी, मेरे को उठाओ। क्या कंफ्यूजन कर रहे जी, या अल्लाह इनको उठा लो। हाँ, मेरे कुछ उठा लो बोल के बदवा देते तुम, आज तुम्हारे दुनिया से उठा देता भाई तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, कैसे आप लोग सब? खैरियत? तो आप लोग कमेंट आ कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई शौर्या को लेके आओ वापस, शौर्या जब आपको सूट होते आपके वाइफ के कैरेक्टर में उन्होंने अच्छे है बोले, तो आप लोगों की डिमांड पे शी इज बैक। एक्चुअली इनका बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा था, बट आप लोगों की वजह से मेरे को रिक्वेस्ट करके इनको लाना पड़ा, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। थैंक यू सो मच फॉर या थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी दिखी होंगी, स्टोरी बहुत मज़ा, मतलब लाइक मज़ा आया होगा ट्विस्ट एंड टर्न्स देख के और जोक्स देख के, बिकॉज आप लोगों का ऐसा फॉर्मेट हमारा पसंद था इसलिए हम लोग ऐसा बनाए। तो लाइक कमेंट शेयर करके वायरल करना मत भूलिए, बिकॉज दिस सीरीज इज स्पेशली मेड फॉर यू गाइस। आपको कुछ बोलना है मोहतरमा? आई एम ग्लैड टू बी बैक, बट देखिए लाइक करिए, शेयर करिए, हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और लोगों तक पहुंचाइए बस। बिल्कुल, कमेंट करो आप कुछ देखना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसा, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको स्क्रिप्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। हाँ अच्छा, एक और, ये सीरीज आपको अब से वेडनेसडे पे मिलेंगी और हमारी दूसरी सीरीज व्हाट द शक सैटरडे पे मिलेंगी, ठीक है? दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाओ नको। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। नहीं, अपने लोग मिलाते थोड़ा। व्हाट द शक।